यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा भाजपा के पूर्व नेता और करणी सेना के महामंत्री सूरज पालामू ने एक बार फिर से एक और अभिनेत्री को अपने निशाने पर ले लिया है। इससे पहले एक बार वो दीपिका पादुकोण पर निशाना साध चुके हैं। जब पद्मावत विवाद काफी चला था उस वक्त भी उन्होंने दीपिका पादुकोण पर कई निशाना साधे थे और साथ ही जो संजय लीला भंसाली है उन पर भी निशाना साधा गया था। अब एक बार फिर से उन्होंने प्रियंका चोपड़ा को निशाने पर ले लिया है। जी हाँ, अमेरिकी शो क्वेंटिको द ब्लड ऑफ रोमियो, ये जो शो है इसमें एक हिंदू को बतौर आतंकवादी दिखाया गया है। इसी को लेकर अब प्रियंका चोपड़ा पर उन्होंने निशाना साधा है। अमू ने ट्वीट पर प्रियंका चोपड़ा के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। अमू ने लिखा कि विदेशी धरती पर भारत का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहन करेगा। इतना ही नहीं, अमू ने लिखा कि अगर बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को भगवा हिंदुस्तानी आतंकवादी नजर आते हैं तो उनका डीएनए टेस्ट करवाया जाना चाहिए। उन्होंने लिखा कि प्रियंका भूल गई हैं कि वो एक सैनिक अधिकारी की बेटी हैं। उन्होंने पूछा है कि प्रियंका अपने पिता को दुख पहुंचाकर किसके दबाव में आतंकवादियों को खुश कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि अमू का यह भी कहना है कि सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, प्रियंका चोपड़ा के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए और उनको यह एहसास दिलाया जाना चाहिए कि कितनी बड़ी गलती उन्होंने की है।